हेलो फ्रेंड्स, किचन मिल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो तरह की चटनी, ग्रीन चटनी, रेड चटनी। ग्रीन चटनी पहले भी मैंने काफ़ी स्नैक्स में काम में ली हुई है। ये दोनों चटनियाँ काफ़ी काम आती हैं। इनको किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय पकौड़े किसी के साथ भी अपन सर्व कर सकते हैं। आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ों में ये चटनियाँ काम में लेने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रीन चटनी। एक जार लेंगे, इसमें फ्रेश हरा धनिया लेंगे, इसको हाथ से ऐसे तोड़ के डाल देंगे जार में, जिसे पीसने में आसानी रहेगी। एक हरी मिर्ची लेंगे, इसको दो तीन टुकड़ों में काट देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, एक लाल टमाटर, टमाटर छोटे साइज का ही लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। टमाटर से इसमें अच्छा टेस्ट आता है और फिर चटनी पीसने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 पिंच हींग लेंगे, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1 टेबल स्पून लेमन जूस। चटनी को पीस लेंगे। चटनी पीस चुकी है, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। रेड चटनी के लिए हमने सूखी लाल मिर्च काम में ली है। इनकी डंडियों को हटा देंगे और इनके बीज को भी निकाल देंगे। मैंने 20 लाल मिर्च ली है। इनको मैंने 15 मिनट पानी में भिगो के रखा हुआ है। इनको गर्म पानी में भिगोना है, ये मैंने पहले से भिगो के रखी हुई है। इसके पानी को छान लेंगे। इसका पानी मैंने अलग कर दिया है। 20 मिर्च थी, इनको इसमें मैंने डाल दिया है। 10 मैंने लहसुन की कली ली है, इनको भी इसमें डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी काट के डाल देंगे। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1/2 कप पानी। अब इसको अच्छे से पीस लेंगे। रेड चटनी भी पीस चुकी है अच्छे से, देखिए इसका भी कलर कितना सुंदर है। इसको भी एक बॉल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, रेड चटनी बनकर भी तैयार है। रेड चटनी, ग्रीन चटनी दोनों बनकर तैयार है। रेड चटनी थोड़ा स्पाइसी होती है, आप रेड चटनी को डोसा के साथ भी खा सकते हैं। इसको दोनों टेस्ट में बहुत ही अच्छी है। फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।